हमने रूट जो है वो सब आवाजाही के लिए, लाइट व्हीकल्स के लिए, सबके लिए खोल दिया था। जो पीछे आप क्यों देख रहे हैं, ये हमने डेलिबरेटली प्रशासन की मदद से रुकवाया है, बिकॉज यहाँ पे ग्रेडियंट ठीक करने के लिए, काम करने के लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए, जिसकी वजह से अभी ट्रैफिक ऑन पर्पज रुकवाया हुआ है। अभी जो डेब्रिस पीछे आप देख रहे हैं जिसपे काम चल रहा है, उसके नीचे भी बहुत बड़े बड़े बोल्डर्स हैं जिनको हटाना एक चैलेंजिंग टास्क हो रहा है। तो हम फेजेस में काम कर रहे हैं, पहले बोल्डर्स हटवा रहे हैं, उसको प्लेन कर रहे हैं, फिर व्हीकल्स को पास करने दे रहे हैं। बाकी हमारा मैक्सिमम काम नाइट में चल रहा है सो दैट ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो, बट स्पीड लाने के लिए और जल्दी काम खत्म करने के लिए दिन के टाइम भी फेजेस में ट्रैफिक रुकवा के हम काम कर रहे हैं। अभी कितने दिन लग सकते हैं सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने में? हम देख रहे हैं कि अभी भी 6 से 7 फीट का मलबा यहाँ पर जमा हुआ है, जिसके कारण हैवी व्हीकल्स पास नहीं कर पा रही है। हाइट इसकी जब स्टार्टिंग हुई थी तो 20 मीटर से भी ऊपर थी, उसको हम डाउन करके यहाँ तक ले आए हैं, जिसमें रॉक फॉल्स और सब कुछ हो रहा था। बट इस लेवल से भी डाउन जाने में अगर हम कंटिन्यूस काम करें तो हम शायद एक आध दिन में कर देते हैं, लेकिन अगेन एज आई टोल्ड यू, ट्रैफिक और इन सब प्रॉब्लम्स की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। 2-3 दिन में मैक्सिमम हमें इसको कंप्लीट लेवल पे ले आना चाहिए और कंप्लीट एक स्मूथ ग्रेडियंट में इसको डिलीवर कर देना चाहिए। कितना चैलेंजिंग ये सिचुएशन था आपके लिए? जिस तरीके से हमने वीडियो देखा, रोंगटे खड़े कर देने वाला वो वीडियो था, जिस तरीके से लैंडस्लाइड हुई, तो आपने किस तरीके से इस ऑपरेशन को लीड किया और क्या कुछ सुना? स्लाइड बहुत मैसिव था, पूरी चट्टान, पूरा पहाड़ का एक पार्ट कट के आके रोड पे स्टक हो गया था, जिसकी हाइट 20 मीटर से भी ऊपर थी, और उसमें बहुत बड़े बड़े रॉक्स थे, जिसके लिए हमने सारे इक्विपमेंट्स हमारे पास जितने थे लगवाए, ब्लास्टिंग भी करी। चैलेंजेस फेस करने पड़े बिकॉज इट वॉज अ रिस्की जॉब। ऑपरेटर जो हमारे काम कर रहे थे, जो अंदर जाके उस डेब्रिस को हटा रहे थे, उन पे भी रॉकफॉल हुए, एक हमारे ऑपरेटर को माइनर इंजरी भी आई, बट सारी सिचुएशंस को बैटल करके आगे बढ़ के हमने 4 दिन कंटिन्यूसली काम करके, वेदर डे नाइट रेन्स और वट एवर, हमने कंटिन्यूस काम करके इसको किया है, और उसकी बहुत खुशी है हमें। यात्री भी यहाँ से पास कर पाए, उसकी भी बहुत खुशी है, एंड बट इट वॉज अ वेरी चैलेंजिंग टास्क।